कहाँ गए सब लोग? जल्दी आओ। अरे एक दिन नहीं गुजर रहा मेरे दोस्तों, ये देखो अपन मैं कैसे बैठी हूं। हाँ दोस्तों, मेरे दिमाग में आज एक बात आई है, क्या मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ? नीचे हाँ लिखो, फिर मैं बोलूंगी। तब तक मैं एक चाय की चुस्की ले रही हूं। सिप। कॉफी। आई कैन नॉट लिव विदाउट कॉफी। कौन बोला है? यस पहले पराग। मैं सोच रही हूं, मैं सोच रही हूं दोस्तों कि दुनिया भर में जितने लोग हैं उनके पास उतना मास्क नहीं है। अगर हम लोग मंकी कैप पहन ले, यहां से भी कवर सिर्फ इतना दिखेगा और यहां से भी कवर, व्हाट डू यू थिंक? मंकी कैप, घर में मंकी कैप तो होती है ना, मेरी माँ के पास है। मेरी माँ रोज मंकी कैप पहनती है, फिर फैन लगाती है और एसी लगा के सो जाती है, बिकॉज शी हैज अ प्रॉब्लम हियर। थोड़ा सा क्या हम मंकी कैप पहने तो नाइस आइडिया, वाह, हु सेइंग दैट? प्रीति। या पता है तुम लोग को, मुझे ना मेरे आंखों का ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, ये आंखों में ड्रॉप्स डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा पता नहीं, मेरी आंखों में लेंस लगाई हुई है, चश्मे निकाल के आंखें बहुत दुखती है, डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते। आज कितने दिनों से डॉक्टर रहता है ना तो पता नहीं कुछ कुछ करते रहता है, मैं ड्रॉप्स डालती हूँ ना, आंखें दुखती है मुझे। ये मेरी फ्रेंड मिशा जो है, मनीषा, वो मुझे कॉल कर रही है। मनीषा तू आ जा लाइव पे, इंस्टाग्राम पे अगर देख रही है तो इतने ड्रॉप्स मैंने, डॉक्टर ने मेरे को लिखवाया है, बताओ कितने ड्रॉप्स है अलग अलग, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही है आंखों में, बाहर तो नहीं निकल सकते हैं। अगर हम मंकी कैप पहने, अगर जिनके पास मंकी कैप हो वो मंकी कैप पहन के ही निकल ले, गमछा हो गमछा ही पहन ले, बिकॉज आई फील कि जिसके पास मास्क नहीं है वो कैसे क्या करता होगा। यहाँ पे कितने लोग टिकटॉक पे है दोस्तों? ये देखो हाथ धो धो के मेरे हाथ कैसे हो गए, चमड़ी निकलने लग गई, घर का काम कर करके हाथों की चमड़ी निकलने लग गई। ये देखो, ये देखो, पोछा मार मार के, डस्टिंग कर करके। मेरा ना कुछ जी नहीं कर रहा, ना झाड़ू लगाने को, ना पोछा लगाने को, ना बिस्तर लगाने को, ऐसा जस्ट लग रहा है कि मैं सो जाऊं। मुझे तो वो हॉस्टल के दिन याद आ रहे भैया, मैं हॉस्टल में थी ना, ये सब खुद का भी करना पड़ता था, सबका करना पड़ता था, वरना वो वार्डरन मैट्रन आके मारती थी, बाथरूम में बंद कर देती थी। आज भी याद है, मैं कैथलिक हॉस्पिटल हॉस्टल में थी, कैथलिक माउंट मेरी में। हाँ दोस्तों,
क्या मुझे कोई बता सकता है कोरोना कब खत्म होगा? क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना कब खाऊंगी? क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम जेल से कब आजाद होंगे? क्या मुझे बता सकता है कि मैं अपने पति से कब मिलूंगी? क्या मुझे कोई बता सकता है कि सारी जिंदगी सिर्फ अब मोबाइल पे ही रह गई है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैं अपनी मॉम को कब मिलूंगी? क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैं गार्डन में कब जाऊंगी? कौन बोल रहा है? चलो देखते हैं। आज मैं आप लोग को क्या बताऊं, आज मेरी सब्जी अच्छी बन गई थी, लेकिन आज भी एक गलती हो गई। मुझे लौकी बनाना था, लौकी का छिलका ही नहीं निकाला मैंने ऊपर से। 4 घंटे लग गए लौकी को पकने के लिए। शेम ऑन मी। काश मैं पहले यूट्यूब में देख लेती कि लौकी कैसे पकानी है। सारा बहुत रेल। और रोटी नहीं पकाई, खिचड़ी पका ली। राइस खा खा के पेट देखो कितना बड़ा हो गया है। और ये डल्ले चाची, देख मेरे। हाय, हाउ हाय, हाउ आर यू? यू? आई एम गुड। गुड। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स राखी। लाइक आई बीन ट्राइंग सो मेनी टाइम्स टू बी इन टच विद यू। हाँ, थैंक्स टू कोरोना के घर में हम लोग बैठे हैं और टोटली टॉकिंग टू ऑल द फैंस, होल डे डूइंग इंटरव्यूज, यू नो। हेलो, कैन यू हियर मी? आपका घर घर पे वही बेडरूम से बाथरूम, बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बैल्कनी, बस यही घूम रहे हैं। अच्छा बालकनी में तो हाँ, आप तो कुकिंग वगैरह करते होंगे आराम से। करती हूँ। पापी पेट का सवाल है, खुद को खाने के लिए तो करना पड़ता है कुकिंग, बट माय फूड इज गोइंग ओके वेरी बैड। ओके। और आपकी मम्मा कैसी हैं? ठीक है। हाँ, मम्मा अपने घर पे हैं, शी इज अच्छा अपने गुड। घर पे। सो हम लोग होपफुली आई थिंक मई तक ओपन हो पाएगा ये। मुंबई में मुश्किल है, क्यों वहां पर दूसरे सब ज्यादा जगह लॉकडाउन कर? ठीक है, मुंबई में बहुत मुश्किल है। मुंबई तो एक तो छोटा, चारों तरफ दरिया है, समंदर है, और मुंबई में जगह बहुत कम है, बहुत ही कंजेस्टेड इलाके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग भी बनती है ना, तो बहुत ही क्लोज क्लोज, लोग बहुत क्लोज है यहाँ, वेरी क्लोज। अगर झोपड़पट्टियां भी हैं तो क्लोज है, बिल्डिंगे भी हैं तो क्लोज है, मतलब आवाज देंगे तो सुन लेंगे सामने फ्लैट वाले। आप लोगों के यहाँ लिए पे कितना स्पेस मुश्किल नहीं है, होगा? दूसरी सब जगह क्या स्पेस है। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा कि आप लोगों का शूटिंग वगैरह सब रुका हुआ है? इनफैक्ट अब तो टीवी में भी मोस्ट प्रोबली सारे सीरियल्स रिपीट आ रहे हैं। अब तो ये भी नहीं देख सकते क्योंकि शूटिंग नहीं नहीं हो रही। हाँ, बिकॉज अलाउड ही नहीं है ना मोदी जी की तरफ से, थोड़ा भी अलाउड नहीं है अच्छा। कि यू कांट गो ना, आप शूटिंग नहीं कर सकते, गेट टुगेदर नहीं कर क्योंकि सकते, बाहर नहीं जा सकते, मेरी फ्रेंड भी वरना है जिसके साथ आपकी फोटो है, अगर मैं बताऊं तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनका नाम डिम्पल शॉ चौहान है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो या डिम्पल शॉ, हाँ मैंने आपके बारे में पूछा भी था उससे, बिकॉज डिम्पल इज स्टेइंग इन अंधेरी, नियर टू अंधेरी। तो वो भी अभी शूटिंग कर रही थी छोटी सिद्धांडनी की, तो उनसे मेरी परसों ही बात हुई थी डिम्पल शॉ से। आप उनको जानती है ना? हाँ, या आई तो नो उनसे डिम्पल। मिली।
हाँ, सो उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो तो मेरी उनसे बात होती रहती है डेली बेसिस पे, तो वो भी बता रही थी अब शूटिंग नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, बिकॉज अलाउड नहीं है ना, फिर सब आर्टिस्टों को हो जाएगा, सब कर्मचारी है वहां पे, सब प्रोडक्शन वाले, लाइट वाले, सबको हो जाएगा। हाँ और फिर जी, हम लोग पता नहीं, सब लोग वो एक सब लोग के अंदर अगर वायरस आ गया तो हम लोग कैसे घूमेंगे, सोचो। एग्जैक्टली, इसीलिए दैट्स मैंने तो ट्रू, अपने आप को बंद कर दिया है, दैट्स ट्रू। और मैं बताओ दरवाजा भी आप, नहीं खोल रही हूँ। इवन हमारा भी यही है, लाइक वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस की कॉल्स आ जाती हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह हो जाती है, मीटिंग्स अटेंड कर ली, और मुझे लगता है बहुत जल्दी मोटापा भी बहुत बढ़ जाएगा। मेरा तो बढ़ गया मोटापा टोटली, क्योंकि मैं दबा के राइस खा रही हूँ, दबा के रोटियां खा रही हूँ, जो हाथ में आया खा रही हूँ। भूख लगती तो क्या करेगा इंसान। मेरे पास बिल्कुल सही, अभी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है कि मैं बाहर जाऊं, अच्छी अच्छी सब्जियां लाऊं, उबाल के खाऊं, अच्छा कुछ ही नहीं हो रहा। मैं 2 दिन के लिए, मैं ब्रोकली लाई थी स्टार्टिंग में, घर में एक दिन में ही सड़ गई, क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा फ्रिज नहीं है। मेरा नया हाउस है, ब्रांड न्यू हाउस है, ब्रांड न्यू हाउस है। मुश्किल से टीवी लिया है थोड़े दिनों पहले। अच्छा, हाँ, मेरा ब्रदर देकर गया था और इंटरनेट लगा तो लिया। आप कहाँ रहते हो, आप बॉम्बे में किस साइड पे रहते हो? मैं लोखंडवाला में रहती हूँ। अच्छा, और आपकी मदर कितनी दूर है यहाँ से? मैं मम्मी यहाँ से 5-10 मिनट्स का रास्ता है। अच्छा, 5-10 मिनट्स का रास्ता है, विच तुम इज कहाँ नियर रहते हो? बाय। मेरा घर दिल्ली में है, रजौरी गार्डन, अगर आपने सुना हो। दिल्ली में भी बहुत है ना कोरोना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, इनफैक्ट अब तो क्योंकि ये हो गया कि जहां कितने चेक क्राउडी करने हैं। प्लेसेस होगी ना, हाँ जी, जहां ज्यादा क्राउडी प्लेसेस है ना, वहां पे बहुत होगा। हाँ वहां मुझे तो है, तो यहाँ पर गुस्सा आ बहुत रहा है, क्या इलाके पता सील है भी कर दिए हैं, ये टिकटॉक है ना, यहाँ पर आई बहुत इलाके विश ये सील बंद हो कर दिए जाना उन्होंने, चाहिए, ये टिकटॉक बंद हो टिकटॉक जाना ना। चाहिए। हाँ क्योंकि सही देखो, कह रहे हमको हो तो आप। पैसे मिलते हैं वहां पे, वीडियो पैसे हमको खूब अंदाजुन मिलते हैं, हर सेलिब्रिटी को मिलते हैं, इंस्टा पे या फेसबुक पे, या हम कुछ भी करे, एड़े चाली कुछ भी करे। वो गोदरेज ताला का ऐड किया था मैंने, यू नो ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम तो कुछ भी करे, हमको तो पैसे मिलते हैं। लेकिन वो टिकटॉक में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं, गंदे गंदे अच्छा वीडियो डालते हैं। और टिकटॉक में लिटरली वो धारावी में झोपड़पट्टी से, या बहुत सारे झोपड़पट्टी से वो मतलब लिटरली लैंग्वेज यूज करते हैं ऐसे कि, ओ बहन मैं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, ओ बहन अगर तू मेरी सच्ची बेटी है, तू सच्ची मेरी शिष्य है, तो तू बाहर जाके लोगों को खाना खिला। ओ अच्छा, नहीं मैं तो वैसे टिकटॉक में हुई नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड ने बहुत कन्विंस करा, तो उसने कहा कि टिकटॉक पे मैं आओ, मैं खुद तो मना ही हूं कर दिया। एक टाइम पे, मैं बहुत दुआ करती कि थैंक गॉड टिकटॉक आया, ताकि हर किसी को मौका मिला पैसे कमाने का, और हर किसी को मौका मिला लोगों को अपना रिस्पेक्ट नहीं है, टैलेंट टैलेंट का दिखाने का। रिस्पेक्ट नहीं है ना, लोगों को टैलेंट का रिस्पेक्ट नहीं है, वो नीचे कमेंट्स में नहीं, भी घटिया घटिया अभी लिखते रहते लॉकडाउन हैं। में लोग बहुत गलत गलत फायदा उठा रहे, जेवर पहन के खूब सारे बाहर निकल के कहते कि मैं लोगों को, गरीबों को मदद करने जा रही हूँ। इतना जेवर पहन के कौन गरीबों को मदद करने जा रहा है भाई? सही कह रहे वो हो, जो झूठ बोल के गाड़ी में बैठ के पुलिस को चकमा देके अपने पड़ोसी के घर जाते, बताओ। सही कह रहे हो आप। और कल बड़ी रात थी तो कुछ लोगों ने बोला बड़ी रात है तो आज मैं मटन लेने बाहर आई हूँ, या ये लेने आई हूँ बाहर, पुलिस को चकमा दे रहे, नारियल पानी बाहर जाके पी रहे, बाइक में घूम रहे, और पुलिस सही पीछे कह रहे पड़ती है तो बोलेंगे साहब सॉरी 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 बोल के जा रहे, बताओ। हो। तभी मुझे याद आया था कि मैंने आपके बारे में पूछा था, क्योंकि मैंने आपकी लास्ट पिक्चर देखी थी डिंपल के साथ में, तो उसने मुझे शो करी थी कि हाँ मैं राखी को मिली थी। हाँ, हमारी तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, सब एक दूसरे को बहुत मिलते हैं। जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और सही है। क्या हो रहा है, क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं बेसिकली ऑफिस का काम चल रहा है आजकल, तो बेसिकली मैं एचआर हूँ कंपनी में, वाह, बट हाँ जी, बट साथ साथ में मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरी खुद की आप अगर पिक्चर्स देखोगे, मेरा आर्ट वर्क भी देख सकते हो, मेकअप का मेरी प्रोफाइल पे है। सो ये मेरा प्रोफेशनली, मैं होटल आज मैंने इंडस्ट्री से थोड़ा हूँ। बहुत मेकअप किया है। नहीं, मैं तो मन ही नहीं कर रहा कुछ भी मेकअप करने का भी।
नहीं मैं तो आर्टिस्ट हूँ तो मुझे करना पड़ता है, मैं विदाउट आपको मेकअप तो आ रही करना थी तो पड़ता। हाँ लोगों ने मेरी हाँ फोटो जी, क्लिक क्लिक करके कैसा कैसा कमेंट किया कि अरे ये देखो राखी पहले ऐसी दिखती थी फिल्मों में, अरे अभी बाहर ऐसी दिख रही है, अरे शर्म करो लेकिन यार, मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे नहीं लगता घर इसमें में तो हम मैटर बैठे हैं तो करते कौन सा हैं। मेकअप करेंगे यार, घर में बैठ के कौन सा मेकअप करेंगे बताओ, और कौन सा मेकअप आर्टिस्ट आएगा हमको मेकअप करने को बताओ, फिर भी मैंने चाइना का सही मेकअप किया है बताओ। कह तो आपको तो अच्छा मेकअप आता होगा, कर लेते होगे अच्छी तरह। ये जो किया है थोड़ा बहुत आईब्रो में लगाया, आईब्रो बढ़ गए, आई शेडो किया है थोड़ा सा, हल्का सा काजल लगा के मश कर दिया, हल्का नहीं, सा आपका लिपस्टिक लगा डांस तो दिया। बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट मेकअप तो मैंने अभी देखा नहीं, बिकॉज बहुत से आर्टिस्ट करवाते हैं, करते नहीं है खुद, तो कुछ लोगों में कमी होती है कि हाँ मैं इतना मेकअप करना नहीं आता, नहीं मुझे लेकिन नहीं आता आर्टिस्ट से इतना अच्छा करवाते हैं। मेकअप करना, मुझे इतना अच्छा, अच्छा, मैं आई कैन गाइड, आई कैन गाइड कटिंग वटिंग एवरीथिंग बट आई कांट डू। यू कैन डू, ओके सही। और क्या, आप मेरा मेकअप देखना, क्योंकि मैंने बहुत, मेरी प्रोफाइल पर अगर आप जाओगे तो आप देखोगे तो मेरा मेकअप आर्टवर्क देख सकते हो आप। श्योर डेफिनेटली, चलो बाय, बहुत सारे फैंस को आना ओके, है, बात डन, करना थैंक है। यू सो मच राखी, लव यू, बाय। ओके डार्लिंग बाय, टेक केयर। दोस्तों ये सिमी, सिमी को मैंने सिमी पता नहीं आ रही है नहीं आ रही है सिमी, क्या हो गया, इतने लोगों को मैं ले रही हूं, आ जाओ आ जा वे माही तेरा रस्ताओ देख दिया। अभी आज भी एक दो इंटरव्यू थे वो किए, बाप रे जल्दी जल्दी खाना पकाया, जल्दी जल्दी काम किया। हेलो, अरे कौन खास रहा है भैया, क्या लोगों को पता है कि आज गुड फ्राइडे है, आज गुड फ्राइडे है, आज मेरे प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाइड हुए। ताकि मुझे आजादी मिले, आ जाओ, ऐड किया है मैंने, कितने लोगों को ऐड कर रही हूँ, आ क्यों नहीं रहे, या तो उनका नेटवर्क नहीं है या तो मेरा नेटवर्क नहीं है, मेरा तो फुल दिख रहा है, सारी डंडिया दिख रही है। तो मेरे प्रभु जो है वो तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बताओ दोस्तों, परसों ईस्टर है, मेरे पास एक आध ही ड्रेस है नई पहनने के लिए, इतना बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि मेरे यीशु आज क्रूसीफाइड हुए, रात को गाड़े जाएंगे, कल पूरा दिन डोम में रहेंगे और परसे जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह, हमारे लिए नया साल है, ईस्टर है, पुनर्स्थान है। अरे यार किसको लूँ मैं बताओ, क्यों नहीं आ रहे, कितने लोगों को मैं ले रही हूँ, ये सैयद जी, सैफी,
क्यों नहीं आ रहे? रीजन क्या है? अभी एक जन तो आया था, रीजन क्या है? क्यों नहीं आ रहे? वेटिंग वेटिंग, मेरी नेटवर्क तो है पूरा। हे करुणा, तेरा सत्यानाश हो। हम जब लोगों को ऐसे घर में बिठा दिया, मैं अपने पति से दूर। हे करुणा, प्रभु यीशु के पैरों के नीचे तुझे कुचल दे ऐसे प्रभु। परसों देख तेरे को कैसे कुचलते हैं प्रभु। ईस्टर आने दे तू करुणा। कौन कह रहा है मुझे कोरोना हुआ है? राखी, कभी भी मजाक में भी मत बोलना। और जब होगा ना, हु सेइंग नो, आर यू क्रिश्चियन? नो, आई एम अ बॉर्न हिंदू, बट आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। बिकॉज बिलीव, अगर आप, अगर मुझे जीसस क्राइस्ट को बिलीव करना है, तो मुझे जरूरी नहीं है मेरा धर्म बदलना, या मुझे नाम बदलना, या सरनेम बदलना। नो, जस्ट हार्ट बदलना। हाँ, सिर्फ पापों की माफी मांगना और बिलीव करना और उनकी राहों पर चलना, ऐसा है। अगर जीसस क्राइस्ट को अगर मुझे मिलना, मैं कोई क्रिश्चियनी धर्म को मैंने नहीं अपनाया है, मैंने जीसस को अपनाया है। वो जो कैथोलिक लोग चर्च में जाते हैं, वो मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ बिलीव करती हूँ यीशु नासरी में, उनके बाइबल को फॉलो करती हूँ, उनके वचनों को फॉलो करती हूँ। मैं आप लोगों से सच सच कहना चाहती हूँ कि बात कि जो मुसलमान भाई बहन है या दोस्त है, राखी दिया मैं के बाप रे, अरे बाप रे, ऐसा मत लिखो। प्रेग्नेंट? क्या शादी किसके हुई? अरे यार, कितनी बार बताओ, हो गई है शादी। रितेश इज विथ मी, हुसैन विथ विशी। अच्छा, मेरा हस्बैंड किसी के साथ नहीं जा सकता, उसके पास एकदम बॉलीवुड के हॉट आइटम है, बता एकदम हॉट, वो कितने नहीं जा सकता? विशी, विशी, माय हस्बैंड इज अ वन वुमन मैन। आपको पता है, आई एम अ बिलीवर। कैथलिक लोग डिफरेंट होते हैं, जो जन्म से कैथलिक पैदा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दोस्तों। और हम पैदा हिंदू में होते, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसे प्यार करना चाहते, कौन से गॉड को अपनाना चाहते। वैसा है तो मैंने जीसस को अपनाया। जीसस को इसलिए अपनाया क्योंकि वो मेरे पापों के लिए 2000 साल पहले मारा गया, गाड़ा गया, जैसे आज गुड फ्राइडे, और ईस्टर के दिन जिंदा हो गया। वो इसीलिए जिंदा हुआ ताकि मेरे मरने के बाद मैं भी एक दिन जिंदा होऊंगी। ये परमेश्वर का वादा है, यीशु का। क्योंकि जो जीते जी परमेश्वर यीशु को मान लेगा, मरने के बाद यीशु उसे जिंदा करेगा। मेरा बिलीव है, मैं सबको नहीं बोल रही, ये मेरा बिलीव है, बाइबल में लिखा है। और आसमानी किताब बाइबल झूठ नहीं बोलती। जिसको बिलीव करना है करे, जो नहीं करेगा वो नरक भोगेगा। मुझे क्या पता, मेरा काम है, मैंने बिलीव किया। अब दूसरा कोई बिलीव करे ना करे, मुझे क्या पता। मेरा काम है बोलना, मैंने बोला। और यार एक बात बोलूं, करूंगा। आजा आजा बच्चा, तुझे सीड्यूस करती हूँ, आजा लाइव, आजा आजा। काट दिया, लाइव लिया तुझे, तूने कहा सीड्यूस करो ना। अच्छा, तुमको इज्जत करना, इतना कोरोना हो गया, महामारी आ गया, लड़की की इज्जत करना नहीं आता है क्या? मत करो ऐसा, नेवर डू दैट। रिस्पेक्ट फीमेल्स, तुम्हारी भी बेटी होगी एक दिन,
तुम्हारी भी बीबी होगी, उनको कोई ऐसे करेगा, व्हाट यू विल डू? रिस्पेक्ट विमेन. और जो जो रिस्पेक्ट विमेन को नहीं करेगा, नर्क इतनी गंदी नर्क है उनके लिए, बहुत गंदा नर्क है उनके लिए. Rishav saying, can you call my name? Rishav? Rishav. Leah. Leah. Viraj Deepak. Dekho. तू आया था क्या देखने, या तू आई थी क्या मैंने 900 चूहे खाए कि नहीं? No, my dear friend, you said marry me. I'm already married. और इस जन्म में कलयुग तो है बहुत गंदा. I cannot cheat my husband. Never. मैं फिल्मों में ऐसे सीन भी नहीं कर सकती जो मेरे बाइबल के विरुद्ध है, मेरे परमेश्वर के विरुद्ध है. और ना ही मेरे, अगर मुझे मेरे हस्बैंड ने इजाजत दी है फिल्मों में काम करने की, तो ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूंगी उनके खिलाफ. फारूक देश पांडे, प्लीज कॉल मी. निकिता से हाय राखी मैम. हाँ ओके, हाय निकिता, हाउ आर यू? आज ये क्यों नहीं आ रहा है? अरे दीपक कला क्या बोल रहा है, मुझे कोरोना हुआ है? अबे पागल दीपड़े मत बोल बाबा, ऐसा मत बोलो. दीपक यार तू मेरा भाई है, ऐसा मत बोल. दीपक कला मुझे देख कह रहा है मुझे कोरोना हुआ है. अबे जब कोरोना के कीड़े घुसेंगे ना, तो लूज मोशन होगा, खांसी होगी. और जो हॉस्पिटल में बेचारे दम तोड़ रहे हैं बिस्तर पे, उनकी क्या हालत है? ईश्वर ना करे दुश्मन को भी ना हो करोना बाबा, दुश्मन को भी ना हो. बहुत चुल है तुमको रे बाबा दीपक बे. राखी मैं आपसे मिला था स्वामी बॉलीवुड स्टार बनोगी? हम ऑलरेडी बन के निकल गए. यू एज अ स्ट्रॉन्ग मैन. यस आई एम. ज्वाइन मी मैम. हाउ डू आई ज्वाइन यू जुबैर? दीपक मुझे अपना लो. हाँ तो अपना तो लिया, तो मेरा भाई है बेटा, अपना लिया. मैं इतने हार्ट अटैक किया मैंने, प्लीज हेलो जुबैर, प्लीज एड मी. जुबैर देखो मैंने ऐड किया ना आपके सामने, देखो मेरा नेटवर्क तो फुल है भाई. ओ ओ ओ किसका नेटवर्क है प्रॉपर बताओ. दोस्तों मैं आपसे बात करूं या मैं आपसे ऐड करूं, मैं क्या करूं? मेरी मांग में सिंदूर भर दो राखी. दीपक ऐसा फाइट खाएगा ना दीपक, इतना हिलेरियस हो तुम, बट यू आर क्यूट.
Why? Which she is saying, add me. How do I add you? कैसे विशी 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 पता नहीं कैसे यार। आई 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 आजा आजा भाई, ये क्या हो गया? कहाँ चली गई मैं? अरे ये किधर हो गया? अरे मैं कहाँ हूँ? अरे मैं किधर हूँ बाबा? ओ मैं तो यहाँ हूँ। वाकी दीदी ठीक माय नेम, सबके क्या नाम लो मैं, N-N-A-N-3 एडमी, तिवारी राहुल, मेरा नाम ले लो मैडम प्लीज, ले लिया। राखी मुझे ऐड करनो करो ना, लव गुरु, मैं लव लव गुरु हूँ, मुझे ऐड करो। अरे जिनको ऐड किया वो तो आ नहीं रहे, नीचे वेटिंग 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 लिखा रहे, बताओ। हे प्रभु। दोस्तों ये मेरी टीम में हॉटस्टार जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मुझे दो चार फिल्में देखनी है। सतीश का बर्थडे है क्या? पलक, क्या पलक? वी आर वॉचिंग लाइव, तिवारी जी सेइंग। ओ ओके भैया, मैं तुम लोग को ऐड करूं कि बात करूं, क्या करूं? ढूंढने जाती हूँ, बटन दबाने जाती हूँ, मुंडी मेरी ऐसे ऐसे हो जाती है, बताओ। अब आज तो सुबह उठते ही मैंने सब्जियां काट ली, खाना बना लिया, बहुत पैनिक होता है खाना बनाना, काम करना, काम चोर हूं मैं, मेरे पे एक फिल्म बननी चाहिए, काम चोर। कपड़ा धोना, हालत खराब हो रही है, मेरे से नहीं होता। हे परमेश्वर, मुझसे काम नहीं हो पा रहा। बाप रे, ये मैं लो लाइव लाइव ले रही हूं तो देखो कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो रहा है, ये कभी कभी का है, मेरे साथ हो जाता है, बस ऐसा लग रहा है। देखो मैं ऐड कर रही हूं सबको, ऐड कर रही हूं, नहीं हो रहा है। ये सड़ा हुआ फोन है मेरा, आईफोन, सड़ा हुआ फोन है आईफोन, नहीं हो रहा है। चलो इसमें, ये इसमें देखते हैं, ये इसमें भी मेरा है, दूसरा वाला फोन है ना, उस पे भी इंस्टाग्राम तो है, उस पे देखती हूँ होता है क्या। दूसरा फोन है, मैं तो अभी लाइव हूं। तो दूसरा फोन भी है इसमें तो, आई डोंट नो। और लोगों क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो बताओ। क्वारंटाइन में, क्वारंटाइन, सही बोला क्या? हैप्पी गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे, मुझे जल्दी से बोलो सब लोग हैप्पी गुड फ्राइडे।
लंच लोगी? अभी लंच है क्या कपिल जी? अभी लंच थोड़ी, अभी डिनर का टाइम हो गया। मैंने क्या किया, जो लौकी बनाई थी ना, उसका लौकी का निकाल निकाल के फेंक दिया, उसका जो थोड़ा सा मसाला था उसमें अंडे डाल दिए। रात का खाना हो जाएगा, मैं मेरा पका हुआ खाना खा खा के थक गई हूँ, कोई टेस्ट नहीं आता मेरे खाने में। अच्छा, क्वारंटाइन में बाहर मत निकलो दोस्तों। और ये जो टिकटॉक पे लोग हैं ना, जो बोलते हैं ना बहन बाहर निकल, लोगों को खाना खिला, बहन बाहर निकल, खुद बाहर नहीं निकल रही है मैडम, बाहर निकलो लोगों। अरे तो उनको बोलो कि बहन तुम तो बच जाओगी, मैं मर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी। आप लोग बोलो, ऐसा वीडियो बोलो उन लोग को, बहन बाहर मत निकलो करके। थोड़े दिन का सवाल है, अगर हम लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना कभी खत्म नहीं होगा। आपकी बॉडी कम करनी है राखी? हाँ, हाय हिंदी राखी जी, बोलो शायद जी। कोरोना इज वेरी बैड, उज्जवल दास, हाँ इज वेरी बैड दोस्तों। परमेश्वर ना करे कभी किसी को हो करोना, एक टाइम पे डायबिटीज पड़ेगा, कभी किसी को ना हो, एक टाइम पे कैंसर पड़ेगा पड़ेगा, एक किसी को ना हो परमेश्वर। करोना बहुत खतरनाक है, 5-6 दिन में 10 दिन में तो जान ले लेता है, किसी किसी की 1 ही दिन में जान ले लेता है, किसी किसी की 24 घंटे में, बहुत खतरनाक, किसी किसी की तो 4 घंटे में। डिपेंड्स ऑन बॉडी के अंदर तुमने कितना अच्छा रखा है बॉडी को, इसलिए मत निकलो मेरे दोस्तों। मेरा मैसेज सब जगह लोगों को पहुंचाओ, या तुम अड़ोस पड़ोस दुनिया को, दोस्त दोस्त यारी, या हर जगह आप लोग मैसेज दो, घर से बाहर ना निकलो। मुंबई के अलावा तो सब लोग तो हर जगह बच जाएंगे, मुंबई में लोग सुधर नहीं रहे, इतनी धारावी में झोपड़पट्टी है, 13 लाख या 18 लाख लोग हैं, पता नहीं क्या होगा, वो लोग तो सुधर ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, बाहर निकल रहे, भीड़ लगा रहे गलियों में, वहां पे गलियां होती है ना, भीड़ लगा रहे, भीड़ से भीड़ होती है, और फिर वो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर से बाहर निकलते हैं तो दूसरों को होता है, वॉचमैन को, नारियल पानी वाले को, इटली वाले को, कोई ना कोई सुबह निकल जाता है, फिर वहां से वो बिल्डिंगों में आते हैं, बिल्डिंगों में होता है, क्या करे। सख्त क्या कानून होना चाहिए दोस्तों, नीचे लिखो कि गवर्नमेंट को क्या सख्त कानून लेना चाहिए जिससे लोग स्ट्रिक्ट हो जाए और घर में रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर में सब लोग को अंदर रख के, या तो जंगली जानवर बाहर छोड़ने चाहिए, छोड़ने चाहिए खतरनाक, या तो फिर जो भी बाहर निकले गोली से उड़ा दो। अरे पूरी दुनिया को मर जाने से अच्छा कि कुछ लोग मर जाए ना, जो कानून का पालन नहीं करते दोस्तों। अगर मैं कहीं रॉन्ग हूं तो मुझे बताओ, और कोई सुनता ही नहीं है इधर, किसी को कोई नहीं पड़ी है, लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे करोना होगा ही नहीं, होगा ही नहीं मुझे करोना। कर्फ्यू है ना, अभी देखो कितने लोग, जाओ इंस्टाग्राम इस पे जाओ, आपको पता चलेगा, टिकटॉक पे बिंदास घूम रहे हैं, कोई मोदी से नहीं डर रहा, मोदी जी से, कोई पुलिस से नहीं डर रहा, कोई कोरोना से नहीं डर रहा, इनको लगता है कि हमको नहीं होगा कोरोना, बिंदास घूम रहे हैं, कोई मटन लेने जा रहा है, कोई चिकन लेने जा रहा है, कोई हवा लेने जा रहा है, कोई क्या 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 लेने जा रहा है भाई, कोई हवा, बाप रे बहुत स्केरी है। एक हस्बैंड वाइफ बाहर गए थे, हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं हुआ, उसके बच्चे को हो गया, बच्चा गुजर गया। हाय हे प्रभु, हे प्रभु, राखी मेरे में ट्रेड, कौन ट्रेड शेख राखी, प्लीज बोलो ना हमजा, क्या मुझे तुमसे डर लगता है रोहित शुक्ला? ओ क्यों, क्या क्या मुझसे डर लगता?
ठीक है, डर लगता है तो डरो। हाँ मैं हूँ, डराऊ नहीं, उसमें क्या, रहना ही चाहिए इंडस्ट्री में, तो थोड़ा आए हैं तो अच्छा है। डरना, डरो, गवर्नमेंट के ऑर्डर का प्लान करना चाहिए। हाँ लेकिन कोई नहीं कर रहा, नहीं कोई कर रहा तो कैसे करेंगे दोस्तों। कुछ लोग बोल, सेलिब्रिटी एक भी आके सिर्फ हाथ जोड़ रहा है, दोस्तों प्लीज स्टे होम स्टे सेफ, इतना बोल के कुछ होता है क्या? सेलिब्रिटी लोग, वैसे बेचारे हमारे अमिताभ बच्चन जी जो लेजेंड है, वो बोल बोल के थक गए, उनकी भी नहीं सुन रहा कोई। तभी तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि घर में रहे भाई, माजी सटक ली, घर में रहे, खुद मरेगा दूसरे को लेके मरेगा। हाँ डोनेशन डू, डोनेशन डू तम्बी, तम्बी आई वाज वेरी हैप्पी, कमल, कमल सिंह थैंक्स। आप क्या परमेश्वर परमिशन दोगे, पता नहीं क्या लिखा। अरे जितना, जब तक मैं पढ़ लेती हूँ तब तक तो ये ऊपर चला जाता है। यू आर सो स्वीट पूजा, थैंक यू। छोटा छोटा लिखो यार। हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड मेरा है बैंगलोर में अटका हुआ है। माई हस्बैंड बैंगलोर में अटका हुआ है, वो ऑफिस के काम के लिए गया था दो जोड़ी कपड़े लेकर, बेचारा वहीं अटका हुआ है। उनके बॉस, उनके ऑफिसों में बहुत सारा हो गया, बाप रे। एंड थैंक गॉड कि ही हैज अ हाउस ओवर देयर, उनके सिस्टर्स है, उनके सिस्टर्स इज ईटिंग देयर, आई एम सो वरिड अबाउट हिम। नाइस हेयर कट या, मेरे हस्बैंड ने बहुत चिल्लाया था, डोंट कट योर हेयर, आई से प्लीज यार लेट मी कट बिकॉज माई हेयर इज बोर्ड टोटली। क्या करते हैं हस्बैंड? आईआईटी के इंजीनियर है मेरे हस्बैंड, उनका पूरा एकदम हर जगह ऑफिस है, बहुत सारे लोग उनके हाथों के पीछे काम करते। खाने में क्या है? खाने में कुछ नहीं है, मेरे पास दोपहर की खिचड़ी बची है और मैंने जो सब्जी बनाई थी उसमें से लौकी फेंक दी, कच्ची थी लौकी, मतलब वो छिलके के साथ बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि छिलका भी छिलना पड़ता है। तो फिर मैंने वो लौकी फेंक दी और उस मसाले में दो अंडे डाल दिए, भुर्जी बना ली। वाह ग्रेट, हाय आई एम योर बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। थैंक गॉड मैंने टाइम पे शादी कर ली, मुझे जल्दी करनी ही थी, वरना ये तो फिल्म इंडस्ट्री इतनी इतनी लालच होती है, यहाँ ऐसा लगता है काम करते रहो करते रहो करते रहो, उम्र कब चली जाती है, वो बड़े कब हो जाते हैं पता। मैं तो छोटी आई थी तब आई, स्ट्रगल करते करते काम करते करते मैं बड़ी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अच्छा और सही डिसीजन लिया बाबा, टाइम पे शादी कर लो, मैंने कर ली शादी, मैं बहुत खुश हूँ शादी से। यू आर ब्यूटीफुल, थैंक गॉड किसी ने तो मुझे बोला कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, वरना तो मेरी शक्ल तो एकदम भुतनी जैसी लग रही थी। चाय विथ राखी, हाँ चाय विथ राखी, ओ इतना सारा हार्ट, आई लव इट। दिशा, दिशा है ना, दिशा नाम है ना, इतना सारा स्ट्रगल। हाँ आरती डांस, ये राखी ऐड मी लाइफ, बेबी आए तो मैं ऐड तो कर लू, चलो कोशिश करती हूँ। सैलरी नहीं है, हस्बैंड सबको सैलरी देते हैं। ओहो हाय हाउ Hi, आर यू? I'm good. How are you? गुड, वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? USA. Where? क्या हुआ? She was so pretty girl, कोई तो आ गया था।
She was so pretty girl. So cute she was. Madam, love you so much. So nice person. Hello, ma'am. Hi, how are you? I am fine, ma'am. Ma'am, are Mumbai... जी जी मैम, अंधेरे में क्यों बैठा? लाइट तो चालू कर मैम. मैं छत पे लेटा, वो खाट बिछा गए. छत पे है? हाँ. कितने लोग हो साथ में? मैं अकेला हूँ. डर नहीं लग रहा? नहीं, कहाँ का डर. छत पे तो. पर क्यों घर में? घर में क्यों नहीं है? मौसम इतना बढ़िया है, हवा बढ़िया चल रही है, ठंडा के मौसम में. अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से. दिल्ली से? अच्छा, रात के टाइम पे बेटा नहीं जाने का ना छत पे. दोस्त लोग, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते ना, मुझे डर लगता है. मैम मैम बहुत अच्छे हैं यहाँ के. पक्का? पक्का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब... बेटा क्या ना, तू देख मेरे भाई कैसा है, देख मैं तेरे पे बात करना चाहता. हाँ जी. कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं ना. अरे कोई दिक्कत ना है. अरे मैम, पानी की टंकी वाकी भी है, लोग अच्छे नहीं है इस दुनिया में. अरे कोई दिक्कत ना है, दो नाली पड़ी है साइड में. हाँ ठोक देना कोई आए तो. जी मैम, छुड़ा लूंगी मैसेज, चिंता नहीं. टेंशन मत लो, अब आपने भाई बोला तो टेंशन मत लो दी. हाँ, कोई आए आसपास तो ठोक देना. मैं खुद मिनिस्टर हूँ. अच्छा? हाँ, इसलिए कोई दिक्कत ना है मने. अच्छा अच्छा, भाइयों ने बना दिया मिनिस्टर. अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छा है, देश के लिए अच्छा काम करो. और हाँ, अच्छा, दिल्ली पहली बार सुना कैसा टेरिस पे हैं. नहीं मैं तो गली में भी. मैम दी, आपको सच बताओ मैम, हम गली में भी खाट बिछा के लेटते हैं. अच्छा, रातों में. अच्छा, अभी दिल्ली में हो? यस. लेकिन दिल्ली में भी कोरोना बहुत है ना? यहाँ पे 900 पेशेंट हो गए. हाँ, बट केजरीवाल ने बोला कि उनकी पूरी तैयारी है, 30,000 बेड लगा के रखे. आराम से पूरी तैयारी है यहाँ पे तो. वहाँ पे क्या हाल है? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया. पहले से सब वेंटिलेटर और बेड हर जगह बना के रखा है. ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने. हम भी तो डेली यहाँ पे जो झुग्गी के लोग है ना, उनको खाना बांट रहे डेली डेली. एक लाख आदमियों को खाना बनता है डेली. अरे लेकिन तुम उधर ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम लोग आपस में संभालो ना, क्योंकि तुम लोग वहाँ नहीं. हम ज्यादा लोग नहीं होते ना, हम 10 से 10 लोग हैं एक टीम के. हाँ, ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, सही है, तुम बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये कोरोना है ना, वो अकेले नहीं पकड़ता. दो लोग हुए, तीन लोग हुए ना, तो क्या है ना, किसी बुजुर्ग को हुआ ना खाना देते देते, तो यंग लड़के में आ जाता है. अगर किसी यंग लड़के में हुआ ना, तो किसी बुजुर्ग में चला जाता है. अरे हम बालाजी के, हम बालाजी के भगत है, हमें कुछ नहीं हो सकता जब तक बालाजी की कृपा है. अच्छा बेटा, भाई सुन, वो जितने लोग, पता है तुझे? अच्छा तुझे पता है कितने लोग मरे हैं? पता है? हाँ पता है. किसी के भक्त होंगे ही ना बच्चा. हाँ सही कह रहे हो. सावधानी बरतो प्लीज, थोड़ा सावधानी बरतो. हम तो सावधान, हम पता है हाथों में ग्लव्स पहन के और मुंह पे मास्क लगा के, सर पे वो डॉक्टरों वाली क्या बोलते हैं, कैप लगा के. हाँ, टोपी लगा के और फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के और पूरा अपने आप को कवर करके तब खाना बांटने जाते हैं, वैसे नहीं जाते. और शरीर पे भी दो कप वो डॉक्टर जो पहन के आजकल पूरा कवर, वो कपड़ा पहन के जाते हैं हम. हाँ वो पहनो, लेकिन अगर कुछ ना मिले ना, तो सर पे प्लास्टिक बांध दो. आप वही कर रहे हैं हम, या फिर शरीर पे है ना प्लास्टिक बांध लेने का. अरे वही, मेरा ना, मेरी एक्चुअली फैक्ट्री है रेडीमेड की, इसलिए पन्निया तो भतीजी आती है, मेरा कपड़े का काम है. हाँ लेकिन अपने आप को संभालना प्लीज. मैं तो एडवाइस नहीं करूंगी कि बाहर जाने के लिए, बट अगर जा रहे हो तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब कोरोना हो जाएगा ना, तो कोई पूछेगा नहीं फिर हॉस्पिटल. ये बात भी सही है,
ये बात भी सही है। और तुम्हारा पक्का दोस्त होगा ना, वो भी नहीं पूछेगा, तुम्हारे घर के लोग भी नहीं पूछेंगे, मतलब मैं हर इंसान की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा मत बोलो, मम्मी पापा पूछते हैं, घर वाले सारे पूछते हैं, घर वाले सब पूछते हैं दीदी, ऐसा मत बोलिए। नहीं बट तुम देखो, आज मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, उसका डैडी मर गया, तीन बेटे थे लेकिन उनको अच्छा। उधर जाने नहीं दिया, उनके बॉडी को अकेले चलाया, मैंने पोस्ट किया। हाँ वो जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले, इनकी बहुत गलत बात है ये, पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे। देखो बॉडी में जब कोरोना हो जाता ना, मर जाता है ना, अगर बॉडी को खोलेंगे ना तो सबको हो जाएगा वहाँ पे। ये बात भी सही कह रहे हो आप, ये बात भी सही कह रहे हो। बच्चा क्या फायदा, बच्चा जो सबको हो जाए क्या फायदा बच्चा, बताओ। अभी तो यहाँ, अभी तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, एक भी पेशेंट नहीं है, ये तो जाफराबाद का नाम सुना होगा, जाफराबाद। अच्छा, ये हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तुम्हारे परमेश्वर करे वहाँ पे किसी को ना हो, यहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं है। मुंबई में मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में गांधीनगर, एक भी पेशेंट नहीं है इधर। दिल्ली में अभी तो 900 केस बोले थे ना तुमने। हाँ 900 केस है, वो भी जाफराबाद के, वो भी माउंटेन के। अच्छा बस प्लीज अपना ख्याल रखना, ठीक है बच्चा। हाँ हम तो जी, जय श्री राम। दोस्तों प्लीज, दोस्तों आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, दोस्तों ये मत बोलो मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, मेरा गॉड मुझे बचा लेगा। देखो अकेले आप है ना, तो आपको गॉड डेफिनेटली मदद करेगा, लेकिन आप हार जाओगे, सामने आग है, कुआ है, मैदान है, बोलोगे कि अरे मैं यहाँ से छलांग लगा लूं मुझे मेरा गॉड बचा लेगा, तो नॉट पॉसिबल ना। आई एम वरीड अबाउट दैट गाय। तैयार होके बैठी हूँ मैं अर्पिता। अच्छा अर्पिता आ जा भाई, मैं तैयार होके बैठी हूँ। अर्पिता तुमको लाइव ले लिया मैंने भैया, मैं भी तैयार होके बैठी हूँ अर्पिता। मैम कैसी हो आप, बहुत बड़े फैन हैं। ओके मुझे तुम्हारा मैसेज अच्छा लगा, मैं तैयार होके बैठी हूँ। भले ही मैं बैठी रही हूँ बट मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। ये मेरी सिस्टर है, ये हम आपके बहुत बड़े फैन है बहुत पहले से आज। थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सलमान खान की बहन का नाम अर्पिता है। आप बहुत पसंद हो, आप प्लीज छाया को भी हाय बोल दो। हाय छाया, कैसी हो छाया? मैम मेरी अभी शादी हुई है, आपकी बाद ही हुई है थोड़े दिनों बाद। है मेरी जुलाई 28 को हुई थी। हाँ ये मेरी 11 दिसंबर को हुई थी। वाओ, मेरा पति भी आपके हस्बैंड की तरह कनाडा में रहता है। आपका पति इंग्लैंड में रहता है ना? मेरा हस्बैंड ट्रैवल करता है, क्योंकि उनका है ना ट्रेन होती है ना, ट्रेन। हाँ ट्रेन का बिजनेस है, जो डब्बे बनाते है ना पूरा। हाँ जी, उनका हाँ वो बिजनेस है, तो वो अमेरिका, लंदन, इटली, सब जगह वो घूमते रहते हैं। मैम आप इतने ज्यादा स्वीट हो, बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल ओरिजिनल हो आप, बहुत अच्छी बात है आपके बारे में वो। थैंक यू। बट तुम्हारे हस्बैंड को तुमने पूछती रहती हो ना, हाउ इज ही? हाँ मैम बिल्कुल। कनाडा में मैम इतना नहीं है वहाँ पे, नहीं मैम इतना नहीं है जितना यहाँ पे खराब हाल है। हाँ कनाडा में इतनी स्नो पड़ रही है, और स्नो के अंदर ही कोरोना फंस गया है। हाँ कोरोना को खुद को ही सर्दी हो गई है। हाँ जी वहाँ बहुत बर्फ पड़ती है। आप ठीक हो मैम वैसे? आप बॉम्बे? हाँ, में मैं ठीक हूँ। हाँ मुंबई में हूँ मैम। कब आपसे लॉकडाउन मिलना होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ तुम कहाँ हो अभी? मैम हम तो मेरठ में रहते, वैसे इन लॉज मेरे दिल्ली में है। मैं तो जैसे लॉकडाउन खुला ना, पहले मैं ही मुंबई से भागूंगी, क्योंकि मुंबई में 6 महीने तक कोरोना नहीं जाएगा। हाँ 6-7 महीने तक। हाँ जी यहाँ पे सब लोग इतने नजदीक नजदीक रहते हैं, छोटे छोटे गलियां हैं मुंबई की, और इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन, और लोग सुनते ही नहीं है, इतनी झोपड़पट्टियां हैं, बहुत डेंस है मैम मुंबई। मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे, काट दिया मैंने। बहुत लकी हूँ मैम।
मैं मेरे हस्बैंड को दूसरे फोन से फोन करती हूँ। बात हो गई। सेव कर लेना आप प्लीज, लाइफ को सेव। मैं मेरे हस्बैंड को ना, मैं मेरे हस्बैंड को दूसरे फोन से फोन करती हूँ। हाँ। वैसे वो आएंगे नहीं सामने। अच्छा। मैम पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है उनसे बात करने की। मैं तो ऐसे रैंडमली मैसेज लिख रही थी, अपने दोस्त से बात कर रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था आप फोन उठाओगे। ओके नहीं मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन किसी का नेटवर्क लग रहा है किसी का नहीं लग रहा है, यू नो। मेरी फ्रेंड नीचे लिख रही है तू भी कर ले अपने पति को फोन। हाँ मेरे हस्बैंड मुझे घड़ी घड़ी फोन करके पूछते रहते हैं क्या किया क्या नहीं किया। मैम अच्छी बात है ना, आप इतना बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार हो, आप फिर उनको डर लगा रहता होगा। हाँ क्योंकि जब मैं मुंबई है तो मुझे नहीं पता था लॉकडाउन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं इसलिए फोन नहीं उठा रहे। अगर देख रहे हैं तो हेलो कर दो। ठीक है मैम, फोन ही नहीं उठा रहे। मैम और आपको क्या क्या पसंद है? बेबी फोन उठाओ यार, फोन उठाओ, वीडियो कॉल उठाओ बेबी। वैसे छोड़ा है मैंने बचपन से परदेसिया पे डांस करा है, इसलिए अपने बचपन में डांस करा है, अपने बचपन में डांस करा है मैं। अरे जब मैंने डांस किया तब भी मैं भी बचपन में ही थी, मैं तो बहुत छोटे पन से आई थी इंडस्ट्री में। हाँ मैम बहुत बच्चे थे आप उस समय। लेजेंड है वो गाना, बहुत ज्यादा फेमस है और सबको पसंद है, अभी तक बच्चों को पसंद आता है वो गाना। ओके थैंक यू सो मच। अरे मेरे हस्बैंड का कॉल। कनेक्ट हो। हेलो कैसे हो मेरे फैंस लोग सुन रहे हैं तुमको, देख नहीं रहे, डोंट वरी मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। मेरे फैंस लोग कुछ बोलो ना उनको, हाय तो बोलो मेरे फैंस लोग को बोलो। हेलो सुनो सुनो बोलो ना, थोड़ा जोर से बेबी, थोड़ा जोर से। सुना देखो मेरे हस्बैंड की आवाज है। सुना ना, सुना जाना बोलो कि हमारी शादी हो गई है, जाना बोलो मेरे फैंस को। Very soon he's going to come in front of camera. He's saying. Fine, we all are waiting. My fans are saying they all are waiting. Yeah, और वो सब पूरी मीडिया, पूरी मीडिया वेट कर रही है बेबी। Seriously. बेबी say something ना, इनको बोलो ना कुछ कुछ बोलो, आपकी आवाज पहुंच रही है उनको, बोलो कुछ। Stay home, stay in house, वो बोल रहे हैं। Stay home बोल रहे हैं सर, उनको भी बोल रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप वो भी बेचारे लॉक है, वो भी लॉक है। राइट राइट, आप बोलिए मैम, आपकी बात सब सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, आप जैसा बोलते हो वैसे ही करते हैं। वो ही नहीं, बहुत जरूरी है, इस बार बहुत बुरा समय हमारा आया है, बिल्कुल बहुत गंदा वायरस आया है, सब लोग को संभाल के रहना है। और कहते हैं ना कि हार के बाद जीत है, अगर ये इस बार हम लोग जीत गए ना, ये कोरोना वायरस को हरा दिया ना, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, यू नो। हाँ मैम मोदी जी ऐसे ही करेंगे हमारे साथ, अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन बस आप लोग जहाँ हो वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुंबई के लोग नहीं सुन रहे। अच्छा अच्छा, चलो अपना ख्याल रखो। ओके रिया जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम प्लीज लाइक शेयर कर देना आप ये। हाँ श्योर श्योर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, बेबी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ लाइव, सब पूछ रहे वेर इज योर हस्बैंड, वेर इज योर हस्बैंड। मैंने कहा वो देखो हर दो दो मिनट में मुझे फोन करके मेरा ख्याल कर रहे हैं। अभी कॉफी पिया मैंने। okay. हाँ तब तक लाइव हूँ, बस अभी थोड़ा टाइम लाइव हूँ। आप क्या कर रहे हो?